हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रेजी पहाड़ी ब्लॉग्स। मेरा नाम है सरनदीप सिंह धुआन और मेरे गांव का नाम है जफाड़ी बांगर, जो कि बांगर क्षेत्र में पड़ता है। अभी मैं हूँ अपने घर पे, लगे हुए पीछे भाई लोग काम करने में। आज मैं कहें अभी फ़िलहाल अभी कहीं गया नहीं, अभी घर पर ही हूँ। अब जाऊँगा शाम को अगर बारिश ना लगे। आजकल यहाँ डेली बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा। हमारा काम चल रहा है यहाँ पे, देखो 3 रूम और बन रहे हैं यहाँ पे हमारे। देखो यहाँ पे लगे हुए हैं सब आज काम करने में। आजकल चारों ओर हरियाली हरियाली है, सारे जगह देखो आप हरियाली। कोदा झंगोरे की सार है, चीमियों की सार है। अभी उठाऊँ थोड़ी देर पहले तो अभी थोड़ा हाथ में नहीं धोए, अभी जाएंगे थोड़ा हाथ मुँह धोएंगे। नाश्ता तो नहीं किया अभी फिलहाल, नाश्ता आप करेंगे। मौसम भी सही है अभी फिलहाल, अगर बारिश ना आए तो। मौसम का तो आज क्या बताएं, 2-3 दिन से बारिश ही बारिश हो रही। कहीं घूमने का प्लान बन रहा था तो नहीं जा पा रहे क्योंकि मौसम की मार है सारे जगह। मौसम इतना वो हो गया कि कहीं जा ही नहीं पा रहे हम। ये सामने भेलुंता गांव है, ये सामने सिरवाड़ी गांव है। आज के मौसम का हाल देखो, आज का मौसम अभी फ़िलहाल सही है। बादल लगे हैं लेकिन अभी काले बादल नहीं आए, अभी वाइट वाले ही हैं। अगर काले बादल आए तब लगी बारिश। ये देखो, ये हमारा अखरोट का पेड़ है, ये हमारा चूली का पेड़ है। यहाँ पे हमारे प्यारे तुलसी माता और फूल, तुलसी माता के आगे पीछे फूल। आज शाम को फिर जाएंगे हम क्रिकेट खेलने, शायद बारिश ना हो तो, पता नहीं अभी देखते हैं क्या होता है। अभी मैं अपनी सीढ़ी पे खड़ा हूँ, यहाँ पे सीमेंट का कट्टा रखा हुआ है, अभी उतार के दिया है सीमेंट का कट्टा, अभी उतारना पड़ता है, क्या करें। ये मुंगरी के पेड़ हैं जिसमें अभी मुंगरी हो भी रखी है, एक दो हमने खा भी लिए हैं। ये देखो, ये है मुंगरी की बेल, मतलब जो मुंगरी है इसके अंदर रहती है, बाहर से इसका कवर होता है। ये देखो गाइस, ये मेरी दादी हैं, खाना बना रही हैं, प्याज छील रही हैं। ये ऐसा रहता है पहाड़ों में, ये देखो इसको बोलते हैं पहाड़ों में चूल्हा। ये चूल्हा है हमारे यहाँ, चूल्हे पर ही खाना बनता है, गैस में नहीं बनता। क्योंकि जो स्वाद चूल्हे में है, जो स्वाद चूल्हे के खाने में है, वो स्वाद आपको गैस में नहीं मिलेगा ऐसा खाना। और आज बना रही है दादी कापला, ये है हमारे कापला का साग। ये देखो आजकल हर जगह आपको हरियाली हरियाली मिलेगी, हर जगह, बस कोदा झंगोरे की सार। ये देखो, ये भी मक्का, ये मुंगरी है। मैं आपको बता रहा था ना कद्दू, ये होते हैं कद्दू के बेर, ये ऐसे फैलते हैं, मतलब इनके ऊंचे पेड़ नहीं लगते, ये ऐसे फैलते हैं कद्दू के बेल। ये मेरा गांव है, मैं बीच से जा रहे हैं हम। देखो ऐसा लेके जाना पड़ता है पहाड़ों में, पाइप को लेके जा रहे हैं कंधे में। ये देखो बहुत लंबा पाइप आगे तक रखा है कंधे में, लेके जा रहे हैं काम करने के लिए। यहाँ बहुत कुछ है भाई, हवा है। भैया हमारा अगर जन्म हो ना तो फिर से दोबारा इसी पहाड़ों में, इसी पहाड़ों में हुआ। हम भी यही चाहते हैं क्योंकि पहाड़ का हर बंदा यही चाहेगा कि हमारा जो दूसरा जन्म हो, अगर इंसान की जिंदगी दोबारा मिलती है तो हमारे पहाड़ों में ही मिले। क्योंकि जो शुद्ध हवा, जो शुद्ध पानी यहाँ है, वो आपको कहीं नहीं मिलेगा, पहाड़ों के अलावा वो कहीं भी नहीं मिलेगा आप लोगों को। हम इसीलिए खुश नसीब हैं कि हम पहाड़ से हैं। ये देखो, ये है मंडवा, अब इसको चूल्हे में करते हैं हम। देखो यहाँ पे हमारा खाना बन रहा है कापलू। ये बड़े तो होगा, देखा
ये सबसे बेस्ट होता है वो शुगर वालों के लिए, जिसको शुगर है अगर उसने ये चीज़ खा ली ना, उसका शुगर बहुत जल्दी वो हो जाता है। देखो अब रख दिया ये चूल्हे में, दादी बताएंगी इस चीज़ के फायदे। बहुत बढ़िया वानियो, शुगर वाला का जे पेट में दर्द दूर दूर सब ठीक वानी, सब दुख दूर वानी, बहुत अच्छी चीज है यार हमारे पहाड़ी लोगों की। क्योंकि ये चीज़ जो है ना, ये चीज़ हम भी नहीं जानते इतना कि देखो ऐसा हो गया। इसको वही लोग जानते होंगे जो मतलब जो लोग पुराने होंगे अभी, क्योंकि हमें भी इस चीज़ के फ़ायदे इतने नहीं हैं पता ये होता है किस चीज़ की, किस किस चीज़ के लिए है। तो अभी दादी ने बताया कि ये शुगर के लिए, तो पेट दर्द वालों के लिए, जो पुराने लोग हैं ना, पुराने लोग पहाड़ों के, इसी को खा के मजबूत हैं वो लोग, यही खा के वो लोग मतलब इतना अभी तक इतना काम कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। भाई इसके बराबर कोई पौष्टिक आहार नहीं है, अगर आप विश्वास माने तो। इसको कैंसर वाला खा सकता है, कोई भी शुगर वाला खा सकता है, हार्ट का पेशेंट खा सकता है। देखो ऐसे निकालते हैं इसको, फिर खाते हैं इसको, प्योर उसे कहेंगे। देखो अभी आप लोगों को अपने किचन के हाल बताते हैं। देखो कुछ टाइम बंद रहा तो क्या बुरे हाल हो गए यार, यहाँ के बहुत बुरे हाल हैं यहाँ के। अब एक दिन यहाँ सफाई सुपाई घसाई लिपाई करनी पड़ेगी। गैस के बुरे हाल हो गए थे तो गैस मैंने निकाल के धो धा के अंदर रख दिया, सिलेंडर वगैरह सब यहीं पे हैं। ये हमारा अपना किचन है, वो दादी औरों का किचन था। ये देखो पहाड़ों में ऐसे बनाते हैं, इसको बोलते हैं गढ़वाली में काकरा, और इसके ऊपर रखते हैं लोग लकड़ियाँ सुखाने के लिए, जंगल से लकड़ियाँ लाते हैं यहाँ पे रख देते हैं, सूख जाती हैं ये आग की इससे। अभी हम जा रहे हैं हमारी गौशाला में, हमारी साल जक हमारा गोरू रहते हैं, जकबल हमारा गोरू रहते हैं। ये देखो ये है हमारी गौशाला, बहुत लंबी है, बहुत मतलब 3-4 उनकी है, मतलब फैमिली वालों की है हमारी। ये है हमारी वाली अंदर, देखो ऐसा रहता है यहाँ पे, घास उनके लिए सब कुछ ही उनके लिए। चलते हैं घर, फिर वापस काम चालू अपना। हमारा भी कार्य प्रकृति पे, सब्सक्राइब कर देना प्लीज क्रेजी पहाड़ी व्लॉग्स। मैं भी जा रहा हूँ कोट, जो कि हमारे यहाँ का एक छोटा सा मार्केट है, छोटा सा बाजार है, सब दोस्त लोगों के साथ वहाँ जा रहा हूँ। थोड़ा सा काम भी था मेरा वहाँ, मेरी एक लीड हो गई ख़राब, बूट की लीड, जो कि मैंने 650 रुपये की ली थी, अभी जस्ट ली ख़राब हो गई, पता नहीं कैसे हो गई। अब देहरादून जाता तो वापस करा लेता, पर अभी फ़िलहाल देहरादून जा नहीं रहा तो वापस कौन कराएगा, इसलिए सोचा ठीक ही करवा लेता हूँ। और ये ब्लूटूथ है मेरा एक, सही है बिल्कुल, बस इसकी चार्जर जो पिन होती है वो टूट गई है, इसको सही करवाने के लिए लेके जा रहा हूँ। तो अभी दोस्तों को फ़ोन कर लिया है कि मैं ऊपर के रास्ते से आ रहा हूँ, तुम नीचे से आ जाओ। अभी मैं अपने एक जगह पे होटल पे बैठा हूँ, जहाँ का नाम बोलते हैं जीरो पॉइंट, सब जानते होंगे फेमस है जीरो पॉइंट। अभी यहाँ पर बैठा हूँ मैं,
दोस्तों का वेट कर रहा हूँ, दोस्त आ रहे हैं। अभी मैं बैठा हूँ किचन में, अभी आया कोर्ट से, फिर वहाँ वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि बाजार में अच्छा नहीं लगा अभी मेरे को शुरू शुरू में। अभी आ गया घर, खाना पुना खाते हैं। देखो गाइस, चूल्हे पर रोटी ऐसी बनती है हमारे यहाँ, देखो ये। देखो गाइस, ये कद्दू की सब्जी, आज हमने कद्दू की सब्जी बना रखी है। और ये आटे की रोटी, आज गोदे की रोटी नहीं बना रखी, आज आटे की बना रखी है क्योंकि यहाँ बच्चे खाते नहीं। ये है पहाड़ी छाछ, ये देखो इसको, जिसको लस्सी बोलते हैं। हमने गाइस सब आ गया हूँ मैं रूम में, आज का ब्लॉग यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं आपको आप लोगों से अगले ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।